हमारा जीवन। आज के भौतिक विज्ञान ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वैज्ञानिक प्रशंसा के पात्र है कि उनके प्रयासों के से आज व्यक्ति को यांत्रिकी युग में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई है और अनेक कष्ट दूर हुए हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति का उद्देश्य दुख से छूटना है और सुख को प्राप्त करना है। आज का भौतिक विज्ञान इतना उन्नत होने पर भी क्या कारण है कि मानव दुखों से छुटकारा नहीं पा रहा है और पूर्ण एवं स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। देखा गया है कि सामान्यतः हम केवल इस दिखते हुए स्थूल शरीर को ही अपना संपूर्ण जीवन मान लेते हैं। बस यही हमारा अज्ञान है। इसलिए हम जीवन में आए हुए दुख दर्द के प्रवेश और मूल कारणों को नहीं जान पाते। जब दुखों के मूल कारणों को ही नहीं जान पाएंगे तो भला हम उनका निवारण कैसे कर पाएंगे? उसी अज्ञान के कारण शरीर में आए सभी दुख दर्द को हम केवल शारीरिक व्याधि मानकर उनका उपचार करते रहते हैं और जिनके उपचार में हम अधिकतर असफल ही रहते हैं। ये सफल होने के भ्रम को पालकर कुछ समय के बाद किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्या हमने कभी इस बात का विचार किया है कि हम या हमारे प्रिय व्यक्ति इतने समय के उपचार के बाद भी ठीक क्यों नहीं होते हैं? दवाइयों से मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? बल्कि दवाई लेते लेते व्यक्ति अशक्त हो जाता है। दवाइयों के कई प्रकार के रिएक्शंस का शिकार होकर व्यक्ति उस मूल बीमारी से तो छुटकारा नहीं पाता है, परंतु दवाई खाते खाते उनसे हुए क्षणिक आराम और राहत के बाद उन दवाओं के बुरे असर के कारण कुछ और बीमारियों को उत्पन्न करने वाले और पालने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे प्राण शक्ति जो हमारी चेतना शक्ति है उसे कम प्रमाण में यानी लगभग 35-50% तक लिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे जीवन पर तीन प्रकार के आक्रमक हो रहे हैं। पहला अधिक विचारों के कारण और वो भी निगेटिव थॉट्स और उससे उत्पन्न हुए तनाव। दूसरा खाने पीने की अनियमितता और तीसरा है प्रदूषित वातावरण। भला ऐसे में व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सकता है? आज के इस संघर्षमय युग में अच्छी तरह स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की शक्ति के सहारे की जरूरत बहुत होती है। यह शक्ति किसी भी प्रकार की है, व्यायाम बोलो, ध्यान साधना, भक्ति या फिर रेखी द्वारा प्राप्त हो सकती है। शक्ति प्राप्त के और तरीकों से रेकी पद्धति अतिशय सरल और सुगम है, क्योंकि रेकी में अन्य पद्धति के तरह निश्चित नियमों का या समय का पालन करना आवश्यक नहीं है और न ही किसी प्रकार का बुरा असर होता है। रेकी शक्ति द्वारा प्राण शरीर में स्थित चक्रों को गति एवं शक्ति प्रदान होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ सभी प्रकार के तनाव और दुख दर्द से मुक्ति पाकर संपूर्ण स्वस्थता का या स्वस्थता की प्राप्ति हो सकती है। तो चलो चले अभी हम इसे कैसे एक सिंबल के जरिए हम ये शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो आप तैयार है ना सीखने के लिए?